अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी अपनी लाइफ अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे और अपने डेली के काम कर रहे होंगे। तो जी आज है संडे और मेरा ये था कि ना इस वीकेंड पर ज़रूर ज़रूर एक्वेरियम की सफाई करनी है। तो मैंने सुबह नमाज के बाद ही अपने हस्बैंड को बोला, वो अभी कुरान पाक पढ़े थे, मैंने कहा आज एक्वेरियम ना साफ़ कर लें। इसको साफ़ करने के लिए भी ना बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो वो कहते हैं चलो जी कर लेते हैं। तो लेकिन मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा होता है कि ये ना इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। मेरे हस्बैंड वो जो एक्वेरियम वाला आता है ना, वो मामा का एक्वेरियम बड़े वाला भाई है, हालांकि वो आता है वो आधे घंटे में ये जब वो जो साफ़ करके चला जाता है। और मेरे हस्बैंड इतनी मीन मीठी करेंगे, ये इसके अंदर जो आपको फ्लावर नज़र आ रहे हैं ना, इसका एक एक पत्ता रगड़वा रगड़वा के साफ़, और ये बजरी सरफ से धो, फलाना धो, एक टब में डालो, दूसरे में डालो, चिक्कू में डालो, अल्लाह इतना टाइम लगाते हैं पाइप इसके साफ़ करने में, जो पीछे इसकी चरखी चल रही है ये, और ये जिसमें से पानी दूसरा वाला निकल रहा है पंप इसका, अल्लाह थका दिया मुझे। मतलब कि मैंने आपको टाइम दिखाया शुरू करते हुए, 7 बजे शुरू किया है हमने, और साथ साथ में अपनी डस्टिंग करी थी और साथ साथ में इनकी हेल्प भी करी थी। और अब मैं आपको एंड पर टाइम दिखाऊँगी। फाइनली इसके अंदर पानी भी भर लिया, मछलियाँ वापस अंदर डाल दी हैं, लेकिन नीट क्लीन करके जो है ना इसको सुकून तो मिलता है, दिल का सुकून मिलता है और बंदा जो है ना पूरा थक जाता है। मैं अकड़ गई हूँ, अल्लाह इतना टाइम लगा दिया मेरे हस्बैंड ने इसको साफ़ करने में, 1.5 घंटा लगा दिया। और ख़ुद तो अब इनका काम ख़त्म हो गया फाइनल, बस इसके ऊपर इन्होंने ढक्कन रखना ख़त्म, और जो नीचे से मैंने इसकी सारी सफाई करनी है। और ये देखें ये जो हमारी फ़िश है ना, एक ये ब्लैक फिश से ना पांडा फिश बन गई है, आधी सफ़ेद और आधी काली। ये देखें ये नीचे सारा पानी पानी हुआ पड़ा है फर्श पर, ये मैंने सारा साफ़ करना है, और वो बाहर से इन तक, और ये किचन से लेके सारा कुछ अभी मैंने साफ़ करना है। और ये इसके अंदर डाल दिया उन्होंने ना नीली एक होती है, मतलब क्लोरीन होती है, वो इन्होंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाई थी। तो इससे पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और पानी काफ़ी अरसे तक जो है इसका वाइटिश रहेगा। अभी मैं दिखाऊँगी जब ये ब्लूश ख़त्म हो जाएगा ना, तो बिल्कुल क्लिस्टर क्या उसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर हो जाएगा। फिलहाल इसको टाइम लगेगा अभी ना अंदर ख़त्म होने में, अभी तो मछलियाँ भी आपको नीली नीली लग रही होंगी, लेकिन इसके बाद पानी बड़ा ज़्यादा साफ़ हो जाता है और पानी के अंदर काई जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगती है। अब हम लोगों की इस तरफ जो पानी आता है ना वो बहुत ज़्यादा येलोइश सा आता है, तो इस वजह से उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। पूरी सर्दियाँ मैंने इसको हाथ नहीं लगाया कि ठंड लग जाएगी मछलियों को भी और मुझे भी, तो मैंने एक्वेरियम का काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। लेकिन अब चूँकि आपको पता ही ठंड कम हो गई है और खूब सारी धूप निकलती है, तो अब इसका काम हमने कर लिया। मैं करती हूँ जल्दी से नीचे से सफाई, पोछा और फर्श बाहर से धोती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम करूँगी। बहुत ज़्यादा देर कर दिए मेरे हस्बैंड ने, नाश्ता बनाने में भी इतना ज़्यादा भी मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि वीकेंड है तो नाश्ता भी थोड़ा अच्छा सा आज मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक, और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, खुद देखिएगा ज़रा। ये देखें 8:35 हो गए हैं, 7 बजे शुरू किया था हमने इसको, इतनी देर लगवा दी। और जिस फिर सारी सफाइयाँ सफाइयाँ करने के बाद मैं आ गई किचन में। मैंने रात को आलू बॉईल करके रख दिए थे, मुझे नहीं पता था कि सुबह इतना ज़्यादा टाइम एक्वेरियम पर लग जाएगा, तो आलूओं को बॉईल कर दिया था मैंने। लेकिन मेरा ये था कि मैं इसको मैशअप भी करूँगी, पूरा मसाला तैयार करके रखूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा और रात को और ज़्यादा काम होते हैं हम लोगों के छोटे मोटे कि मैं रात को भी थक गई थी और सुबह भी देर हो गई। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि आलूओं को फटाफट छील रही हूँ। ये होता है कि अगर सब कुछ बना बड़ा हो ना मसाला, तो फिर तो बस आपने आटा उठाया और उसको कर लिया। शुक्र है कि आटा मैंने रात को गूंद लिया था, और आटा रात को ही गूंदना पड़ना था क्योंकि उसको 3-4 घंटे का रेस्ट देना होता है, जो नान वाला आटा होता है। क्योंकि मैं आलू वाले पराठे नहीं बना रही ना, आलू वाले नान बना रही हूँ, तो अब मैं साथ साथ इनको मैंने कहा फटाफट छीन लेती हूँ। अपने हस्बैंड को मैंने बोला अब किचन में बैठे, और उन्होंने अपनी ऑफिस में कॉल मिला ली कि चलो मैं और काम कर लेता हूँ। मैंने कहा था मेरे साथ आपने नाश्ता बनवाना है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं उनका दिल होता मेरे साथ कुछ भी बनवाने का। तो मैंने फटाफट प्याज चॉप कर लिया, आलू छीन लिया, अब हम इनको फटाफट करते हैं मैश। जब से ये मैशर आया वैसे इसने भी ज़िंदगी आसान कर दिया, वरना तो पहले हम फॉक से करते होते थे, और सबसे पहले कुंडी डंडे में करते होते थे। कुंडी डंडे में ना आलू मैश करने का ये होता है वो चिपक जाते थे बिल्कुल, इतने ज़ोर से निकाल के मैं उसको डंडा बाहर निकालती थी ना। लेकिन अम्मियों के जाहिर है उस तरह के काम होते थे, और अब हमारे थोड़े से जदीद हो गए हैं। तो इसके अंदर आप डालें झटपट से मसाले, गर्म मसाला, धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, नमक, मिर्च, और चाहें तो आप वो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल लें, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आ जाएगा। और जी अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं धो के हरी मिर्च और धनिया, इसको हम फटाफट से करेंगे
हल और ये हो गया हमारा मसाला रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ रात का क्लिप जो मैंने आटा गूंद के रात को फ्रीज में रख दिया था ताकि उसमें जितना राइस होना है वो हो जाए। तो वैसे मैंने जब आपको पहले नान बनाने सिखाए थे मैंने वो बनाना सिखाए थे आपको यीस्ट से मतलब कि खमीर से, लेकिन इस टाइम मैं बनाऊँगी बेकिंग सोडे से। ये देखें जी मैंने लिया है आधा किलो मैदा और उसमें डालूँगी एक कप दही और उसमें मैंने डाला है डेढ़ चम्मच मीठे सोडे का, मतलब बेकिंग सोडा कह लें उसे मीठा सोडा कह लें वही होता है, और हसबें ज़रूरत नमक। और उसके बाद इसको हम दही के साथ ही गूंद लेंगे। जो दूसरा यीस्ट वाला था उसमें हम थोड़ा दूर डालते हैं और सॉरी इसमें चीनी भी डालें। चीनी आप किसी भी नान की डो में डालेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा मीठा जो उसका टेक्स्चर होता है ना सॉरी जायका होता है ना वो चीनी की वजह से ही आता है। तो 1 टेबल स्पून जो है ना वापस में बारीक सी चीनी भी डाल देनी है। और ये देखें जी फटाफट हमने इसको गूंद लिए हैं, जितना दही से गूंदा गया उतना दही से गूंद लिया और बाकी मैं इसको जो है पानी से गूंद रही हूँ। और इसको हमने अभी रख देना है थोड़ा सा गूंदने के बाद, और सुबह ये अच्छे वाला राइस हुआ होगा। अगर आपने सुबह नहीं रात को ही करना है तो फिर आप इसके अंदर मतलब इसको 2-3 घंटे का रेस्ट तो देना ही चाहिए क्योंकि मीठे सोडे ने अपना काम करना है। यीस्ट वाला जो है ना वो किसी किसी को पसंद होता है और मीठे सोडे वाला जो जायका है ना वो सबको पसंद आ जाता है, लेकिन मीठा सोडे को ज़्यादा देर आप नहीं रखना उससे ना ये आटा ब्लैक भी हो जाता है। तो जी ये है आटा राइस हुआ हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें ये आटा राइस हुआ हुआ है। अच्छा जो यीस्ट वाला होता है उसके अंदर ज़्यादा बबल्स होते हैं, मीठे सोडे वाले के अंदर इतने ज़्यादा बबल्स नहीं होते, इसके अंदर इतनी ज़्यादा हवा नहीं बनती। तो अब मैंने क्या लिया आयरन वाला तवा लिया, मैं इसको नॉन स्टिक पे नहीं बनाने वाली, आज मैं इसको आयरन तवे पर बनाने वाली हूँ। लेकिन जो सोचा था ना वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरा ये था कि मैं इसको मतलब डो बना के उसके पीछे पानी लगा के और इसको आयरन वाले तवे मतलब लोहे वाले तवे के ऊपर चिपका के ना बिल्कुल तंदूरी जायका देना है मैंने इसको। तो देखें जैसे कि मैंने एक पेड़ा लिया उसके अंदर मैंने आलू को स्टफ़ किया और फिर उसको फ्लैटन कर लिया, लेकिन यहाँ पर गैस ने बेड़ा गर्क कर दिया मेरी सारी रेसिपी का। मतलब ना हमारी सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए गैस जाती है तो वही टाइम आ गया जिस टाइम गैस जानी थी। मैंने इसको पानी लगा के ना तवे को अच्छे से गर्म करके इसके ऊपर चिपका तो दिया। उसके बाद आपने देखा ही होगा मुख्तलिफ वीडियोस में कि इसको तवे को उल्टा करके ना तो फिर इसके ऊपर सेकना था, गैस ही चली गई मतलब कि वो बहुत मुन्नी आ रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर रखा और मैंने कहा इसको ऐसे ऐसे करती हूँ पीछे से, तो वो बहुत अच्छे से बन गया। लेकिन सिलेंडर छोटे वाला था और उसका बर्नर भी छोटा था, उसको तो वो वैसे से आग लगी नहीं रही थी, सेक मतलब आग कह रही हूँ सेक नहीं लग रहा था, वो दरमियान से बस पका। फिर मैंने इसको अच्छे से उतारा और फिर मैंने नॉन स्टिक तवा निकाल के उसके ऊपर इसको बनाया और ये इसकी शेप आई है। ये देखें फिर भी इसका टेक्सचर अच्छा आया है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो बीच में वो जो मैं एक फुल प्यारी सी कुकिंग वीडियो बना रही थी ना वो सारी ख़राब हो गई गैस के जाने की वजह से, लेकिन ये है कि इसका पीछे से बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आया था। फिर मैंने सोचा कि चलें अब तो इसको मैं जैसे बनाती हूँ जैसी गैस आएगी ना ये देखें पीछे से बिल्कुल तंदूर वाला कड़क और टिक टिक वाला ना ऐसे कड़क वाला नान बना था। फिर मैंने कहा कि अब मैं दूसरा तब बना के दिखाऊँगी जब हमारी गैस आ जाएगी। फिलहाल तो मैंने सबको नाश्ता करा दिया और ये बाद में मैंने अपना जो बनाया है ना ये देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल पीछे से ऐसे है और सच में ऐसे ही आता है। अगर आप नान वाली स्टफिंग ना भी करें ना इस आटे की, आप तंदूरी रोटी भी बनाएं ना आयरन वाले तवे पे, तो वो ऐसे ही बनेगी। मतलब उसको पानी लगा के चिपका दें और पीछे से जब पक जाए तो उसको तवे को उल्टा करके तो इस तरह बनाएं तो आपकी तंदूरी रोटी घर पर रेडी हो जाएगी। और उसके बाद ना शाम में हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे और घर में ना कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं थी ज़्यादा देने वाली, तो मैंने कहा समोसे फ्राई कर लेते हैं और साथ में ना ये झटपट सा हलवा बना लेते हैं। अब ये झटपट सा हलवा सर्दियों में गर्मियों में हर उसमें मौसम में ना बड़ा यम लगता है और इसी की रेसिपी मैं आपको एक दिन दूंगी। मतलब कि जस्ट जो है ना 5 to 10 मिनट्स की रेसिपी है, एक तो लोग कहते हैं ना 5 मिनट की रेसिपी, सच में ही 5 मिनट वाली रेसिपी है। तो इसमें फटाफट मैंने क्या किया है घी में मैंने बेसन को भूना है और जब वो गोल्डन हो जाएगा ना तो उसके अंदर मैंने इसका मिक्सर डाला है। अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ पूरी चीज़ें, अभी तो ये देखिए आप इसका कलर जब ये ब्राउन हो जाएगा भुन जाएगा इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, तो फिर जब मैं इसके अंदर जादुई मिक्सचर डालूंगी ना वो तो मैं आपको तभी बताऊंगी ना जब मैं इसकी फुल रेसिपी आपको दूंगी। तो जादुई मिक्सचर डालने के बाद ये इतना फ्लफी सा सॉफ्टू सा हलवा बनता है ना, उस तरह के नहीं कि खड़ा हुआ हार्ड सा, ये बहुत नरम सा बनता है हलवा और हर दफ़ा मुंह पे जाने पे आप यकीन करें ज़बरदस्त जायका आता है। तो ये मैंने रेडी कर लिया है, इसको रेडी करते हुए मुझे याद आया कि मैंने इसकी तो रेसिपी आप लोगों के साथ अभी तक शेयर की नहीं है। इसकी मैंने हल्की सी गार्निशिंग की और ये मैंने बिस्किट शिस्किट निकाल के रखे हुए हैं और इसको हमने ले जाना है मेहमानों के आगे। अभी मुझे याद आया कि इसके बाद ना हमने शादी पर भी जाना है,
और ये सब करने के बाद फिर मैं फटाफट से रेडी हो गई थी। खाना शाना भी मैंने बनाया, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने चिकन बनाया था क्योंकि घर में से दो लोग यानी कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं वो शादी पे नहीं जा रहे थे। ये होता ना कि काफ़ी ज़्यादा अगर क्लोज नहीं होते ना तो मतलब फिर ये लड़की वगैरह कम ही शादियों पर जाते हैं। हम लड़कियाँ बस मैं और मामा और पापा गए थे, पापा के फ्रेंड की बेटी की शादी थी तो हम लोग गए थे। ये हम जरा आज जल्दी पहुंच गए, मतलब वो लोग बहुत लेट थे, हम तो जल्दी नहीं गए थे। 7 बजे का टाइम था तो हम 8:30 आए हैं लेकिन लोग अभी भी नहीं आए हुए थे। तो बहुत देर होगी शादी पर, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन चढ़ी हुई थी ना कि अभी घर जाना है और ना मैंने रोटी बना के देनी अपने हस्बैंड को भी और वो अपने भाई को भी। तो मुझे यहाँ पर शादी ज़्यादा इंजॉय करने से ज़्यादा ना और मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि वो लेट इतनी लेट बारात आई, फिर खाना भी इतना लेट, सब कुछ लेट लेट हो रहा था। तो दिमाग में आपको पता है कि फिर हाउसवाइफ्स को यही छोड़ा होता है कि पीछे घर वालों को खाना देना है, खाना देना है। पहले भी नहीं मैं उनको देके आ सकती थी क्योंकि फिर वो ज़्यादा जल्दी टाइम था उनके खाने से क्या, और मुझे ये था कि हम लोग हद भी होगी तो 10 बजे वापस आ जाएंगे, उन्हें 9:30 तक तो आ ही जाएंगे। लेकिन जाहिर है सब कुछ अपनी मर्जी का तो नहीं होता ना। तो मैं अब आप लोगों को खाना दिखाती हूँ। ये है खाना, पीछे साथ मेरी मम्मा बैठी हुई थी, यम्मी से हमने खाना खाया और उसके बाद घर आके मैंने खाना बना के दिया, फटाफट चेंज किया, 2 मिनट लगाए मैंने और उसके बाद ये आए पड़े थे मेरे प्यारे से लेस और ये मैंने रात को मंचिंग करनी है। और यहाँ पे मैं करती हूँ वीडियो का एंड, कल मिलूंगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।